अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फ़ाइज़ा वसीम। आज के इस वीडियो में हम जिस लेक्चर को और जिस टॉपिक को कवर करेंगे उस टॉपिक का नाम है सिस्टम टेस्टिंग। जैसा कि हमें पता है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की सीरीज़ हमारे पास चल रही है, तो पिछली कुछ वीडियोस में हम टेस्ट लेवल के हवाले से बात करते हुए आ रहे हैं। हमने बात की थी कि टेस्ट लेवल जो हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के ऊपर टेस्टिंग अप्लाई करते हैं वो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर अप्लाई की जाती है, जिसमें सबसे बेसिक लेवल पर हमारे पास यूनिट टेस्टिंग था। उसके बाद हम इंटीग्रेशन लेवल के ऊपर आते हैं। इंटीग्रेशन और यूनिट टेस्टिंग को हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं वो भी हमने बात कर ली है। अगर आपने उन वीडियोस को वॉच करना है तो इस वीडियो के लास्ट में शो जाएगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टम टेस्टिंग के हवाले से। सिस्टम टेस्टिंग, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जब हमने अपने यूनिट टेस्ट कर लिया, जब हमने अपने डिफरेंट मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर ली, हमें पता चल गया कि हमारा हर यूनिट भी ठीक तरह से काम कर रहा है और हर मॉड्यूल आपस में इंटीग्रेट होने के बाद भी हमें सही रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, तो अब जो लेवल आता है हमारे पास वो आता है सिस्टम लेवल के ऊपर हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं कि आइदर जो कंप्लीट ओवरऑल सिस्टम हमें रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स हैं या नहीं। सिस्टम टेस्टिंग के अंदर हमारे पास कुछ आप कहो कैटेगरीज आती हैं, कुछ सब कैटेगरीज हैं आप ये कह सकते हो, या आप ये कह सकते हो कि सिस्टम टेस्टिंग के हमारे पास कुछ टाइप्स हैं। अब वो टाइप्स कौन कौन सी हैं? बेसिक टेस्टिंग, फंक्शनैलिटी टेस्टिंग, रोबस्टनेस टेस्टिंग, इंटर ऑपरेटिबिलिटी, परफॉर्मेंस, स्केलेबिलिटी, स्ट्रेस, लोड एंड स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, रिग्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन एंड रेगुलरिटी। ये कुछ टेस्टिंग की टाइप्स हैं, सिस्टम टेस्टिंग की टाइप्स हैं आप ये कह सकते हो। अब इनका, इन टर्म्स का और इन टाइप की टेस्टिंग का मतलब क्या है, हम ओवरव्यू आज के इस वीडियो में देख रहे हैं और उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेसिक टेस्टिंग को डिटेल में देखेंगे, उसके बाद फंक्शनैलिटी टेस्टिंग को डिटेल में लेते हुए चलेंगे और हर एक टाइप को डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ कि सिस्टम टेस्टिंग की ये जो टाइप्स हैं ये एक्चुअली में हैं क्या। देखो, हमारे पास सबसे पहले नंबर पर है फंक्शनैलिटी टेस्टिंग। फंक्शनैलिटी टेस्टिंग प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्टिंग ओवर द फुल रेंज ऑफ द रिक्वायरमेंट्स विद इन द कैपेबिलिटीज़ ऑफ द सिस्टम। फंक्शनैलिटी टेस्टिंग हमें ये बताता है कि जो हमारे सिस्टम की जो जो कोर कैपेबिलिटीज़ हैं, जो कि उसने फुलफ़िल करनी है, जो हमारे सिस्टम की कोर रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि उसको फुलफ़िल करनी चाहिए, क्या वो कम्प्लीट मैनर में, क्या वो करेक्ट मैनर में फुलफ़िल कर रहा है सिस्टम या नहीं, ये चीज़ कहलाती है हमारे पास फंक्शनैलिटी टेस्टिंग। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रोबस्टनेस टेस्टिंग। Robustness testing determines how well the system recovers from various input errors and other failure situations. Robustness आपको ये बताता है, ये इस टेस्टिंग में आप ये देखते हो कि जो आपका सिस्टम है वो अपने एरर्स के साथ और अपने फेलियर्स के साथ किस तरह से हैंडलिंग कर रहा है और किस तरह से अपने आप को रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। इंटर ऑपरेटिबिलिटी टेस्टिंग में क्या होता है, इट डिटरमाइंस वेदर द सिस्टम कैन इंटर ऑपरेट विद अदर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स। इंटर ऑपरेटिबिलिटी टेस्टिंग में आप ये चीज़ टेस्ट करते हो कि जो आपका सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, जो आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम है, वो क्या किसी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट के साथ इंटर ऑपरेट कर सकता है, अगर कर सकता है तो कितने बेहतर अंदाज में कर सकता है। सिस्टम टेस्टिंग के नेक्स्ट टाइप है हमारे पास परफॉर्मेंस टेस्टिंग। परफॉर्मेंस टेस्टिंग बेसिकली मेजर्स द परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिस्टम, एग्जाम्पल थ्रूपुट एंड रिस्पॉन्स टाइम अंडर वेरियस कंडीशंस। परफॉर्मेंस टेस्टिंग, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पर हम अपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को टेस्ट करते हैं। अब वो परफॉर्मेंस डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हो सकती है, उसके डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल अपने सिस्टम का थ्रूपुट चेक कर रहे हो, आप अपने सिस्टम का रिस्पॉन्स टाइम चेक कर रहे हो डिफरेंट कंडीशंस में, कि इस कंडीशन में मेरा सिस्टम किस तरह से रिस्पॉन्स दे रहा है, कितने टाइम में रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर कोई और कंडीशन है तो उसमें हमारा सिस्टम किस टाइप से रिस्पॉन्स कर रहा है, कितने टाइम में रिस्पॉन्स कर रहा है, ये चीज़ें कहलाती हैं रिस्पॉन्स टेस्टिंग में आ जाती हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें तो यहाँ पर जो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है वो है स्केलेबिलिटी टेस्टिंग। इट डिटरमाइंस द स्केलिंग लिमिट ऑफ द सिस्टम इन टर्म्स ऑफ यूज़र स्केलिंग,
ज्योग्राफिक स्केलिंग एंड रिसोर्स स्केलिंग। यहाँ पर आप अपने सिस्टम की स्केलिंग लिमिट्स को टेस्ट करते हो। अब वो यूज़र स्केलिंग हो सकती है, वो ज्योग्राफिक लेवल पे स्केलिंग हो सकती है, और वो आपके रिसोर्सेज की स्केलिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास स्ट्रेस टेस्टिंग। स्ट्रेस टेस्टिंग पुट्स अ सिस्टम अंडर स्ट्रेस इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द लिमिटेशंस ऑफ द सिस्टम एंड व्हेन इट फेल्स टू डिटरमाइन द मैनर इन विच द फेलियर अकर्स। स्ट्रेस टेस्टिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपने सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस डालते हो ये चेक करने के लिए कि आपके सिस्टम की लिमिट कितनी है, वो कितना स्ट्रेस बर्दाश्त कर सकता है कि सिस्टम ब्रेक डाउन ना हो। सिस्टम के ऊपर आप कितना स्ट्रेस डाल सकते हो, इस चीज़ में स्ट्रेस टेस्टिंग में आप ये टेस्ट करते हो। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास लोड एंड स्टेबिलिटी। लोड एंड स्टेबिलिटी टेस्टिंग प्रोवाइड एविडेंस दैट सिस्टम रिमेन स्टेबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अंडर फुल लोड। यहाँ पर आप अपने सिस्टम के ऊपर लोड अप्लाई करके ये चीज़ चेकआउट करते हो कि आपका सिस्टम उस लोड के रहते हुए कितनी देर तक स्टेबल रह सकता है। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रिलायबिलिटी टेस्टिंग। इट मेजर्स द एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू कीप ऑपरेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम विदाउट डिवेलपिंग फेलियर्स। रिलायबिलिटी मीन्स क्या होता है? रिलायबिलिटीज आर द फॉल्ट फ्री ऑपरेशंस। रिलायबिलिटी में आप ये चीज़ टेस्ट करते हो कि आपका सिस्टम कितने लॉन्ग टाइम तक अपने आप को एरर फ्री रख सकता है। अगर सिस्टम में कोई एरर है तो क्या वो यूज़र के लिए ऑब्जर्वेबल है या नहीं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग डिटरमाइंस दैट द सिस्टम रिमेन स्टेबल एज इट साइकिल थ्रू द इंटीग्रेशन ऑफ अदर सब सिस्टम्स एंड थ्रू मेंटेनेंस टास्क। रिग्रेशन टेस्टिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि आपके यहाँ पर एग्जाम्पल देकर आपको समझा रही हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आपके सिस्टम में बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स हैं, एक कॉम्पोनेंट आपका ठीक से काम नहीं कर रहा। अब वो जो कंपोनेंट है उसको आप टेस्ट कर रहे हो, लेकिन वो चलने के लिए आपको दूसरा मॉड्यूल भी रिक्वायर्ड है। जब आपने उस दूसरे मॉड्यूल के साथ रखकर अपने सिस्टम को ठीक कर लिया तो अब वो फर्स्ट वाला मॉड्यूल तो ठीक तरह से रिजल्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, बट जो सेकंड मॉड्यूल है अब क्या उसकी फंक्शनैलिटीज भी ठीक चल रही हैं या नहीं, ये चीज़ कहलाती है रिग्रेशन टेस्टिंग। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग। इट इंश्योर्स दैट सिस्टम्स यूज़र गाइड आर एक्यूरेट एंड यूजबल। डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग में आप सिंपल ये इंश्योर करते हो कि जो आपका सॉफ्टवेयर सिस्टम है, जो आपका सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, उसके जो यूज़र गाइडेंस है, जो उसके यूज़र मैनुअल्स हैं, जो उसके डॉक्यूमेंटेशन है, वो एक्यूरेट है या नहीं, यूजबल है या नहीं फॉर द यूज़र्स एंड फॉर द कस्टमर्स। तो बेसिकली ये हमारे पास सिस्टम टेस्टिंग के कुछ टाइप्स हैं जो कि आज के इस वीडियो में हमने कवर की हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम इन टाइप्स को सेपरेटली लेते हुए चलेंगे और इनकी डिटेल्स के हवाले से बात करेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ बाकी दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।